मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर 4, इज द स्काई फॉलिंग। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बच्चों, ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक पेज नंबर 25। हमने ये पढ़ा था कि अदिति, जैन और दीप दौड़ते हुए अदिति की मम्मी को ये बताने जा रहे होते हैं कि आकाश गिरने वाला है। अदिति, जैन एंड दीप वर रनिंग इन अ हरी टू टेल अदिति's मदर दैट द स्काई इज गोइंग टू फॉल। नाउ लेट्स रीड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अब हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक पेज नंबर 25। एंड लिसन टू मी केयरफुली। सून दे रीच्ड अदिति's हाउस। दे मतलब कौन कौन बच्चों, अदिति, जैन और दीप। सून दे रीच्ड अदिति's हाउस। व्हाट इज अदिति सेइंग, अदिति क्या बोल रही है देखिए। ओह मां, अ पीस ऑफ द स्काई फेल ऑन माय हेड, द रेस्ट ऑफ द स्काई विल सून फॉल, व्हाट शुड वी डू। तो अदिति अपनी माँ से क्या कहती है, ओ माँ एक आकाश का टुकड़ा मेरे सर के ऊपर गिरा और बाकी का सारा आकाश भी जल्दी नीचे गिर जाएगा, हमें क्या करना चाहिए। फिर अदिति की मम्मी क्या कहती है, अदिति की मम्मी कहती है टेक मी वेयर द पीस ऑफ द ब्रोकन स्काई इज। अदिति की मम्मी कहती है चलो मुझे उस जगह पे ले जाओ जहाँ पर आकाश का टुकड़ा गिरा हुआ है, जहाँ आकाश का टुकड़ा गिरा हुआ है मुझे वहां पर लेकर जाओ। नेक्स्ट सी व्हाट हैपेंस, अब क्या होता है। अदिति टुक मदर टू द मैंगो ट्री, बिहाइंड हर रैन दीप एंड ज़ेन। तो अदिति क्या करती है, अपनी मम्मी को वो आम के पेड़ के नीचे लेकर जाती है। कौन से आम के पेड़ के नीचे, जहां पर वो खेल रही थी वहां पर अदिति उसकी मम्मी को लेकर जाती है और उसके पीछे पीछे दीप और जैन, अदिति के फ्रेंड्स दीप और जैन उसके पीछे पीछे जाते हैं दौड़ते हुए। फिर अदिति की मम्मी क्या कहती है, आई डोंट सी एनी स्काई हियर, ऑल आई सी इज दिस बिग राइप मैंगो। राइप मतलब बच्चों developed to the point of readiness for harvesting and eating. तो अदिति की मम्मी क्या कहती है, मुझे तो यहाँ पर कोई आकाश दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा सा पका हुआ आम दिखाई दे रहा है। ripe मतलब पका हुआ, पूरा पका हुआ, जिसे हम खा सके, जिसे हम खा सके। तो अदिति की मम्मी कहती है कि मुझे यहाँ पर आकाश दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे तो यहाँ पर सिर्फ एक पका हुआ बड़ा सा आम दिखाई दे रहा है। देखिए अदिति की मम्मी ने एक आम पकड़ा है अपने हाथ में, पका हुआ बड़ा सा आम। फिर दीप क्या कहता है, लेट अस रीड, डू यू थिंक द बर्ड्स फ्लू अवे विद द पीस। तो दीप कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो आकाश के टुकड़े के साथ कोई चिड़िया उसे लेकर उड़ गई होगी, कोई चिड़िया वो आकाश के टुकड़े को लेकर उड़ गई होगी। कम टू पेज नंबर 26। अदिति's मदर इज सेइंग, अदिति की मम्मी कहती है आई थिंक इट वॉज दिस मैंगो दैट फेल ऑन योर हेड, लुक अप द स्काई लुक्स फाइन। तो अदिति की मम्मी जो है वो कहती है अदिति से और उसके फ्रेंड से, अदिति से कहती है कि आई थिंक इट वॉज दिस मैंगो दैट फेल ऑन योर हेड, लुक अप द स्काई लुक्स फाइन। तो अदिति की मम्मी कहती है कि मुझे लगता है कि ये जो बड़ा सा पका हुआ आम है वो तुम्हारे सर के ऊपर यहाँ पर गिरा था, और ऊपर देखो आकाश तो बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है, आकाश तो बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। अदिति क्या कहती है, आई एम सो ग्लैड नाउ माई हेड हर्ट्स अ लिटिल लेस। ग्लैड मतलब बच्चों हैप्पी, ग्लैड मतलब हैप्पी। तो अदिति क्या कहती है, आई एम सो ग्लैड, अदिति कहती है कि अब मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, अब मैं बहुत ही खुश हूँ, मेरा सर अब बहुत ही कम दर्द दे रहा है, मेरा सर अब बहुत ही कम दुख रहा है, अब मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अदिति बहुत ही ज्यादा खुश थी।
तो बच्चों ये थी हमारी कहानी चैप्टर 4। दिस वाज आवर चैप्टर 4 इज द स्काई फॉलिंग। थैंक यू।